सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज तक मार्केट में क्या क्या हुआ है और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई थी, 11,914 के पास, और निफ्टी ने थर्ड डे पे भी एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है, जिसे हम लोग बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न का मतलब क्या है, व्हेन द ओपनिंग प्राइस बिकम्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेडिंग डे एंड द इंडेक्स डिक्लाइंस थ्रू आउट द डे मेकिंग अप फॉर द लार्ज बॉडी, दिस कैंडल विल हैव अ स्मॉल और नो अपर शेडो एंड स्मॉल लोअर शेडो। और अगर हमने देखा है तो वीकली स्केल के ऊपर एक डोजी कैंडल फॉर्म की थी, वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। तो आज थर्ड वीक में भी निफ्टी ने एक डोजी कैंडल फॉर्म की है, तो यहाँ पे थोड़ा इनडिसिसिवनेस निफ्टी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 12,050 का लेवल। वही अगर हम लोग बात करें वीकनेस की, तो अभी देखिए निफ्टी फिलहाल जब तक 900 के अबाव क्लोजिंग दे रहा है, तब तक निफ्टी में हम लोग 800 तक के लेवल्स नहीं देख सकते। जब देखिए निफ्टी अगर 900 बिलो क्लोजिंग देना चालू करेगा, तब यहां से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्टिंग के लिए, जहां से फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 800 का लेवल। वही अभी देखिए 800 का लेवल, ये लेवल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल के नीचे निफ्टी फिसल जाता है और 30-40 मिनट्स तक रह जाता है, या फिर एक क्लोजिंग हमें इस लेवल के बिलो मिल जाती है, तो हम लोग निफ्टी में बहुत ही ज्यादा डाउनसाइड देख सकते हैं, जो निफ्टी को 700 और 600 के तरफ लेके जाएगी ये निगेटिवनेस। तो 800 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही देखिए अभी हम लोग स्ट्रेंथ की बात कब करेंगे, फिलहाल 12,040 ये लेवल है, इस लेवल के टूटने का इंतजार कीजिए, तभी हम लोग निफ्टी में जो है वो एक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अदरवाइज यहां से मेरी ये सलाह रहेगी कि आप लोग फिलहाल डिप्स में बाय के लिए मत जाइएगा, यहां से आप वेट कीजिएगा कि लॉन्ग साइड के लिए पोजीशंस कब बनानी है 12,040 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने के बाद, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होने के बाद। यहाँ पे ये मार्केट कैसा है, थोड़ा सा भी बाउंस मिलता है तो हम लोग एक सेलिंग देख रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा भी बाउंस मिलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। कब तक, जब तक निफ्टी 12,040 का लेवल पार नहीं करता है तब तक हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल जो लोग लॉन्ग साइड के लिए जाना चाहते हैं, 12,040 के टूटने का वेट कीजिएगा, उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिएगा निफ्टी को। और जो लोग शॉर्ट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कहा है कि देखिए जब तक 900 के बिलो की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हम लोग निफ्टी में डाउनसाइड के लिए फिलहाल नहीं जाएंगे। अगर एक क्लोजिंग 900 बिलो मिल जाती है तो डाउनसाइड के लिए हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 800 का लेवल रहेगा, उसके नीचे फिलहाल मैं अभी नहीं जाऊंगी जब तक 800 का लेवल निफ्टी अच्छे से होल्ड रख रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है 20
8 नवंबर की और निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 11,914 के पास। तो इसका मतलब हम लोग 900 950 के ऊपर बीच में एट दी मनी है। तो अगर 900 के लेवल के ऊपर देखते हैं, कॉल साइड में 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने 11,89,000 की हमें राइटिंग देखने को मिल रही है। वही और अपसाइड जाए तो 12,000 के लेवल के ऊपर 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। वही 10 लाख की हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। वही और अपसाइड जाए तो 12,100 के लेवल के ऊपर 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 5,45,000 की हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड में खड़ा है वो है 48 लाख का, जो कि है 12,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है 11,900 के लेवल के ऊपर, 11,89,000 की। तो ये लोगों को लग रहा है कि निफ्टी अभी आगे आने वाले सेशन में 900 के बिलो चला जाएगा। वही अगर हम लोग देखें तो 12,000 के लेवल के ऊपर हमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, जो कि है 48 लाख का। वही उसके सामने अगर देखें तो पुट साइड में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, डिफरेंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल जो हडल वाला काम करेगा वो लेवल रहेगा 12,000 का, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। तो वही अगर पुट साइड में देखा जाए तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो फिलहाल बना हुआ है 29 लाख का, जो कि है 11,500 के लेवल के ऊपर। वही उसके बाद में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 11,900 के लेवल के ऊपर, जो कि है 28 लाख का, और 63,000 में यहाँ पे हमें पुट साइड में एग्जिट देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट्स की। वही अगर हम लोग देखें तो 7,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हमें 11,700 के लेवल के ऊपर भी दिखाई दे रही है पुट साइड में। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें हाईएस्ट पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो पुट राइटिंग जो हाईएस्ट हुई है अभी तक तो वो हुई है 1,90,000 की, जो की है 11,750 के लेवल के ऊपर। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है फिलहाल वो लेवल है 11,900 का लेवल। वही रेजिस्टेंस है 12,000 का लेवल। वही अभी अगर देखिए 900 के बिलो अगर निफ्टी चला जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो जैसे मैंने कहा वो 800 के पास फिर चला जाएगा। वही 800 के ऊपर हमने देखा है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये, जिसको निफ्टी बहुत टाइम से होल्ड रख रहा है, एक अच्छा खासा बाइंग जोन है यहाँ पे। तो अभी निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं एक रेंज की, तो निफ्टी की जो रेंज मुझे नजर आ रही है तो वो है 11,750 से लेके 12,100 के बीच में। तो अभी निफ्टी 50 के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। सो अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई थी, 11,914 के पास। तो अभी देखिए, इन द कमिंग वीक मार्केट्स वुड वेट फॉर 2 मेजर इवेंट्स। फर्स्ट वन इज द चेंजेस दैट वुड टेक प्लेस इन MSCI इंडेक्स ऑन 26 नवंबर, एंड सेकेंड वन इज द अनाउंसमेंट ऑफ मंथली GDP नंबर्स ऑन 29 नवंबर। सो टेक्निकली द मार्केट फेल टू सरपास द अपवर्ड बैरियर विच वॉज एट 12,035 लेवल्स, एंड दैट वुड अगेन कीप मार्केट रेंज बाउंड बिटवीन 11,800 एंड 12,050। तो अभी देखिए, अभी जो है फिर से निफ्टी ने 12,035 का जो मार्क है वो पार नहीं किया था। तो अभी यहां से हम लोग फिर से जो है वो आने वाले वीक में
इसी रेंज में 11,800 से लेके 12,035 के रेंज में मार्केट को फंसा हुआ देख सकते हैं। आने वाले वीक के अंदर एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं। आने वाले वीक के लिए हमारे क्या प्लान्स रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया है अपने वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी देखिए, यहां से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 11,900 का लेवल। अगर ये लेवल के नीचे निफ्टी 30 से 40 मिनट टिकता है तो निफ्टी हमें 850 के तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड की मैं फिलहाल बात करूं तो अपसाइड के लिए यहां से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 950 का लेवल और 11,980 का लेवल। वही मैंने बात किया है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, अगर 900 बिलो क्लोजिंग मिल जाती है तो निफ्टी में हम लोग और ज्यादा डाउनसाइड के लेवल्स देख सकते हैं जो निफ्टी को 11,800 के तरफ लेके जाएंगे। तो अभी यहां से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 11,900 का लेवल, 11,850 का लेवल और 11,810 का लेवल। वही अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 11,950 का लेवल, 11,980 का लेवल और 12,040 का लेवल। ये निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें आने वाले सेशंस में दिखाई दे सकते हैं। तो अभी जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगी, या फिर मुझे मेल कर दो, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की 28 नवंबर की ऑप्शन चेन है मेरे सामने और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 31,111 के पास। तो अभी हम लोग 31,100 के ऊपर एट दी मनी है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो है 31,000 का लेवल। वही अगर देखे कॉल साइड में 3,66,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 74,000 की हमें यहाँ पर राइटिंग देखने को मिल रही है। सामने देखे पुट साइड में तो 4,32,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 47,000 की राइटिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीचे की बात करें 30,500 के ऊपर 2,32,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में और उसके सामने पुट साइड में 4,76,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। वही अपसाइड चाहे तो 31,500 के लेवल के ऊपर 6,76,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है कॉल साइड में और 4 लैक्स की हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग देखें कॉल और पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 6,76,000 का, जो कि है 31,500 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 4,76,000 का, जो कि है 30,500 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तो निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ से दिखाई दे रहा है तो वो लेवल है 31,500 का लेवल। वही अगर हम लोग देखें सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट मंथली बेसिस के ऊपर, मैंने कहा था आपको 30,500 के पास यहाँ पे इस ऑप्शन डेटा में हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो चलिए चलते अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई थी 31,111 के पास और सेकेंड डे पे भी निफ्टी ने एक रेड बॉडी कैंडल फॉर्म की है। तो देखिए अभी यहां से हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर क्या कह सकते हैं, तो देखिए जब तक निफ्टी बैंक 30,800 के अबाउट चल रहा है तब तक हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर पॉजिटिव है। वही अगर 30,850 बिलो
निफ्टी बैंक निकल जाता है। तो निफ्टी बैंक के पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है फिर 30,000 का लेवल, फिर निफ्टी बैंक 30,000 के तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन जब तक 30,850 अबाउट ट्रेड कर रहा है ना, तब तक हम लोग निफ्टी बैंक में पॉजिटिव है, तब तक हम लोग 31,500 और 31,800 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक के अंदर जरूर देख सकते हैं। तो अभी मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी निफ्टी बैंक की, तो अभी 31,111 के पास क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल है 31,050 का लेवल। इस लेवल के बिलो अगर निफ्टी बैंक चला जाता है तो थोड़ी वीकनेस हमें दिखाई दे सकती है, जो निफ्टी बैंक को 30,850 और 800 के पास लेके जाएगी। वही अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड के लिए देखिए, जब 180 के लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक 30 मिनट से ज्यादा टिक जाएगा तो निफ्टी बैंक हमें फर्स्ट 31,300 और उसके बाद में 31,450 और 500 के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। बट अगर 31,180 बिलो ही रहता है तो थोड़ी वीकनेस हमें नजर आ सकती है निफ्टी बैंक के अंदर। तो यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए वो है 31,050 का लेवल, 30,900 का लेवल और 30,850 का लेवल। वही अपसाइड के लिए यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 31,180 का लेवल, 31,300 का लेवल और 31,500 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो अभी जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट्स में पूछ दो। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। वही अगर आप एक अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तलाश में हो तो अपस्टॉक्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं खुद भी वहां से ट्रेडिंग करती हूँ। तो अगर आपको अपस्टॉक्स के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। वही अगर आपको मेरा एनालिसिस, मेरा वीडियो, मेरा सिखाने का तरीका, मेरी मेहनत अगर पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल के लिए डोनेशन और हेल्प भी कर सकते हो। डोनेशन की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उन सबको कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।